फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम दो तरह के सैंडविच बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच की फिलिंग के लिए हमने कैरेट, कैप्सिकम, कुकम्बर और अनियन को चॉप कर लिया है। सारी वेजिटेबल्स को हम बाउल में डाल देते हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, बाकी अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर। 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें टमाटो केचप डाल देंगे, इसमें मेयोनीज ऐड कर देंगे, इसमें हम मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर दिया है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। सैंडविच के लिए फिलिंग रेडी हो गई है। ये हमने 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ये हमने तंदूरी मेयोनीज ले ली है। सैंडविच के ऊपर हम ये लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम फिलिंग लगाएंगे। इसके ऊपर हमने मेयोनीज लगा दी है, अब हम इस पर फिलिंग लगाएंगे। ये हमने इसमें फिलिंग लगा दी है। साइड्स पे हमने इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि इसमें चीज़ डाला है, तो चीज़ ग्रिल करते वक्त बाहर आ जाएगा। अब हम इसे ब्रेड से कवर कर देंगे और इसे ग्रिल कर लेंगे। इसे हमने टोस्टर में डाल दिया है, इसके ऊपर हम बटर या घी लगा देंगे और इसे टोस्ट कर लेंगे। अब हम बिना टोस्ट की हुई सैंडविच बनाएंगे। उसके लिए हमने ये सैंडविच ब्रेड ले लिए हैं, ये हमने 2 स्लाइसेस ले लिए, इसकी हम साइड्स कट कर लेंगे। ब्रेड की हमने साइड्स काट ली हैं, इसके ऊपर हम मेयोनीज लगाएंगे। इस पे हमने अच्छी तरह से मेयोनीज लगा दी है, अब हम इसके ऊपर फिलिंग लगाएंगे। इसे हम अच्छे से फिलिंग से कवर कर देंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस लगा देंगे। अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर से इस शेप में कट कर लेंगे। इसे हमने पिज़्ज़ा कटर से कट कर लिया है, अब हम इसे सर्व करने के लिए ट्रे में निकाल देंगे। ये हमारे टोस्ट किए हुए सैंडविच भी रेडी हो गए हैं, इसे भी हम पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेंगे। इसे हमने कट कर लिया है, इसे भी हम सर्व करने के लिए ट्रे में निकाल देंगे। ये हमारे सैंडविच बनकर एकदम रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।